बाद पहुंची है टीम इंडिया। बड़ी खबर, मंत्री पद से किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, मंत्री पद से किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा। न्यूज 18 से बोले हैं किरोड़ीलाल मीणा, सुनिए। दृष्टि से मैं नाराजगी का कोई कारण नहीं है और मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आप न्यूज 18 के ऊपर आपने खुलासा किया है कि आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या यही कारण रहा है कैबिनेट में आप नहीं जा पाए? हाँ, यही है। जब मैंने इस्तीफा दे दिया तो मेरा नैतिक रूप से मैं वहाँ जा नहीं सकता और मुख्यमंत्री जी को भी मैं मिला था। मुख्यमंत्री जी ने बड़े आदरपूर्वक मेरे को कहा था, नहीं, आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे। पर मैंने मुख्यमंत्री जी को यही कहा था कि चूंकि मैं जनता के बीच में कह चुका हूँ, घोषणा कर चुका हूँ कि हम ये सीट नहीं जीते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और इसलिए मेरे को देना पड़ा। तो स्वाभाविक है, मैं न सरकारी बंगला, न सरकारी गाड़ी, न दफ्तर में बैठ सकता। आपने जो मंत्री पद से आपने इस्तीफा दे दिया, इस तरीके का आपका दावा है, लेकिन आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया गया है। और वहीं कल किरोड़ी मीणा केंद्रीय नेतृत्व से मिले, किन पार्टी के नेताओं से मुलाकात हुई? क्या मेरे को बुलाया था? राष्ट्रीय महामंत्री जी ने बुलाया था पर वो व्यस्त थे, मिलना नहीं हुआ। फिर जब भी बुलाएंगे तो मैं दिल्ली जाकर मिलूंगा। तो क्या ये कहा जाए, किरोड़ी मीणा ने जो इस्तीफा देने से पहले कहा था कि प्राण जाए लेकिन वचन नहीं जाए, इस तरीके से आपने एक जो कमिटमेंट भी किया था सोशल मीडिया के? मैं ऐसे स्थान पर बैठा हूँ जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी का प्रकटोत्सव है, उनका जन्मदिन है आज, उनका अमृतवाणी सुनने को मिलेगी। सनातन धर्म, हिंदू धर्म की ये परंपरा है और मैं उसका पालन कर रहा हूँ। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ किरोड़ी मीणा मौजूद है। इन्होंने न्यूज 18 के ऊपर खुलासा किया कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता रोशन शर्मा से एक्सक्लूसिव बात करते हुए किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्री पद से किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही कहा कि सभी सरकारी सुविधाओं से मैंने दूरी बना ली है। चूंकि मैंने इस्तीफा दे दिया है तो मेरा कोई हक सरकारी दफ्तर, सरकारी बंगले और सरकारी गाड़ी पर नहीं बनता है। कैबिनेट की बैठक में भी किरोड़ीलाल मीणा नजर नहीं आए थे और इसी को लेकर जब सवाल न्यूज 18 ने उनसे किया तो उन्होंने कहा कि हाँ, नैतिक रूप से जब मैं इस्तीफा दे चुका हूँ तो फिर मेरी उससे दूरी थी। किरोड़ीलाल मीणा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कृषि मंत्री का पद उनके पास था, लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि भले ही किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन अभी तक स्वीकार किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा नहीं किया गया है। और जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार क्या कारण है, क्यों उन्हें आपने इस्तीफा दिया, तो साफ तौर पर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि मैंने पहले ही जनता के बीच ऐलान कर दिया था कि अगर दौसा सीट मैं हारता हूं, मैं वहां से जीत नहीं दिला पाता हूं अपने उम्मीदवार को, तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा और यही मेरा कमिटमेंट था, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया है, मुझे देना पड़ा है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की भी बात उन्होंने कही है कि जल्द ही उनसे मुलाकात भी होगी। मंत्री पद से इस वक्त की बड़ी खबर है, किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया है। रोशन, जो हमारे संवाददाता खुद किरोड़ीलाल मीणा से एक्सक्लूसिव बात कर रहे थे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर रोशन, देखिए जिस तरीके की आशंका जताई जा रही थी कि किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा देंगे, लेकिन कुछ वक्त की हमने यहाँ पर शांति भी देखी, कुछ हलचल नहीं थी कि इस्तीफा देंगे नहीं देंगे, लेकिन अब अचानक उनका इस्तीफा, क्या समझा जाए इसे? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर मंत्री किरोड़ी मीणा ने खुलासा किया है कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है, ऐसा खुद किरोड़ीलाल मीणा ने खुद दावा किया है यहाँ पर कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, दो दिन से लगातार जो किरोड़ी मीणा है वो जो दिल्ली दौरे के ऊपर मौजूद थे, वहां पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी पूरे राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर न्यूज 18 के ऊपर किरोड़ी मीणा लाइव जुड़ चुके हैं। सर, क्या कारण रहा कि आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? अरे, कारण तो मैंने चुनाव के दौरान ही कह दिया था, प्रधानमंत्री जी आए थे तब, उससे पहले, उससे बाद में, कि जो मेरे प्रभाव वाली
संसदीय सीट है, अगर मैं उनको नहीं जिता सका तो मंत्री पद से इस्तीफा देता। आपने पहले एक ऐसे मेरी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अब मैं मंत्री पद पर नहीं रहूं, नहीं बना रहूं। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी कह दिया, इस्तीफा मेल से भी भिजवा दिया और मेरी चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सदा सहायता के साथ बड़े आदरपूर्वक मेरे को ये कहा कि आप इस्तीफा मत दो, लेकिन चूंकि मेरी घोषणा थी जनता के बीच में तो मेरा इस्तीफा देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया गया है, क्या कारण रहे कि जिस वजह से आपने नैतिक जो जिम्मेदारी है पहली बार आपने उठाई कि इसकी जो नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और आपने मन से भी कहा था कि मुझे मैं सवाई माधोपुर सीट हार गया, करौली हार गया, दौसा हार गया, जहाँ मैंने मैक्सिमम आंदोलन किया और जनता के लिए चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे तपन हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे सड़क हो, सब मैं उनके लिए आंदोलन करता रहा हूँ। ऐसी जनता विमुख हो गई मेरे से तो मेरा अब अधिकार नहीं है कि मैं मंत्री पद पर बना रहा हूँ। आप विधानसभा भी नहीं जा रहे हैं, कल भी नहीं गए, बजट सत्र के दौरान आज भी आप नहीं जा रहे हैं, ऐसी क्या नाराजगी विधानसभा? नाराजगी मुख्यमंत्री जी से, संगठन से, पार्टी से कतई नहीं है। मेरी कमी है, मैं आत्मलोकन कर रहा हूँ मेरी कमी के कारण, क्योंकि मैंने इतना सतत संघर्ष करने के बाद भी मैं पार्टी को नहीं जिता सका, इसकी चिंता मुझे है, इसका प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ। और कोई कारण नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री जी से नाराज हूँ कि मेरे को कोई विभाग अच्छा नहीं दिया, संगठन से कोई नाराज हूँ। मेरे को अब भी संगठन और मुख्यमंत्री जी जो काम बताएंगे मैं दुगनी ताकत से वो काम करके उनको दिखाऊंगा, परिणाम दूंगा। वही कुछ पद मांगने के लिए नहीं मैंने इस्तीफा दिया है, मैं मेरे इलाके की सीट नहीं जिता सका, मेरा तप भंग हो गया। जिन लोगों के लिए मैंने आरक्षण के समय मेरा मंत्री पद छोड़ दिया था, उन लोगों ने मेरे को छोड़ दिया, तो मैं इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, उससे बड़ा कोई विश्वासघात नहीं हो सकता कि लोगों ने मेरे को साथ नहीं दिया और मैं एक जाति विशेष का विरोधी भी बन गया और उन लोगों को जिता दिया जो आरक्षण के समय उस समाज के साथ नहीं थे। इसका मेरे को बेहद दुख हुआ है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। मीना साहब, आप कह रहे हैं कि मेरी मुख्यमंत्री से नाराजगी नहीं है, पार्टी से नाराजगी नहीं है, आपने विधानसभा से दूरी बना ली और आप आज इस कहा जा सकता है कि सनातन धर्म के इसमें आप पंडाल में आप आकर बैठ गए हैं जहाँ पे प्रकटोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके अंदर प्रकटोत्सव है 82 वहाँ 80+2 वहाँ जगत गुरु शंकराचार्य, पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य का, तो मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं पुरी जाता हूँ। विधानसभा छोड़ के यहाँ गोवर्धन मठ पे मेरे विधानसभा भी जनता के लिए एक जनहित के लिए बहुत बड़ा मंच है, लेकिन मेरा पहले से ये तय कार्यक्रम था, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के भेज दिया कि मैं किन्हीं अपरिहार्य कारणों से विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। लेकिन आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया गया है, लगातार मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि आप मंत्री बने रहें, लगातार केंद्रीय नेतृत्व भी आपसे समझाइश कर रहा है, कल भी आप केंद्रीय नेताओं से मिले। आप समझाइश वाली बात नहीं है, मैंने जो घोषणा की है जनता में क्रेडिबिलिटी बनी रहे इसलिए मैंने उसकी पालना की है, कोई वो मेरा कुछ गुमराह करके जनता को बहका के वोट पाने का नहीं था, वो सच्चाई थी, मेरी अंतर्मन की आवाज थी, आत्मा की आवाज थी, उसकी मैंने पालना की है। और मैं वास्तव में सही कह रहा हूँ कि ना तो मुख्यमंत्री जी से, ना मेरे किसी साथी से, ना पार्टी से किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। मेरे जो प्रभाव कम हो गया, मेरा खुद का मेरे इलाके में सीट नहीं जीता सका, उसका मेरे को बड़ी चिंता है और मैंने मेरा इस्तीफा दे दिया। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि किरोड़ी मीणा को एक अच्छा महकमा नहीं मिला, मंत्री पद नहीं मिला, इस वजह से किरोड़ी मीणा ने स्टैंड लिया। अगर ये बात होती तो जब शपथ हुई थी उसका दूसरे दिन मैं इस्तीफा देता। मैं 4 महीने से कृषि मंत्री के पद का निर्वहन कर रहा हूँ, ग्रामीण विकास के काम करा रहा हूँ और अकेले एक दिन में कुसुम योजना जो किसानों को दी जाती है जिसमें 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर तक के
50,000 कनेक्शन किए हैं जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई, वो हमने एक दिन में करके दिखा दिया। और नरेगा में भी अद्वितीय कार्य किए हैं, राजविका में भी हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो काम किए हैं, आयोजन जो किए हैं, देश में राजस्थान नंबर एक पर है। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की है, जो मैं पत्रकारों को पत्रकार वार्ता करके बाद में बताऊंगा। किरोड़ी मीणा जी की उम्र भले ही 70 साल के करीब हो गई है, लेकिन मैंने पिछले दिनों देखा आपने दावा किया कि किरोड़ी मीणा आज भी युवा है, जवान है, क्या इसी तरीके से सड़कों के ऊपर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे? नहीं, सत्ता है सड़क पे नहीं तो सरकार का मुद्दों को लेकर ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। हमारी सरकार में वो जो पिछले राज में जो कबाड़े हुए, भ्रष्टाचार हुए, लॉलेसनेस हुई, विकास के काम नहीं हुए, अगर कहीं लैप्स होगा तो मुख्यमंत्री जी और सरकार को ध्यान दिलाना मेरी जिम्मेदारी होगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ मंत्री किरोड़ी मीणा। इन्होंने कहा कि भले ही सरकार हमारी हो, लेकिन समय समय के ऊपर वो सत्ता में भी मौजूद रहकर जो सरकार की ओर मुद्दों को लेकर जो ध्यान आकर्षित करेंगे। और आप यहां पर देख सकते हैं कि न्यूज 18 के ऊपर किरोड़ी मीणा ने कहा जा सकता है कि अपने इस्तीफे को लेकर सबसे पहले इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और लगातार किरोड़ी मीणा पिछले 2 दिनों से दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस पूरी वस्तु स्थिति को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करवाया। और आज यहां पर खुद किरोड़ी मीणा ने यह कहा, यह दावा किया कि उन्होंने अपना इस्तीफा लिखित रूप से, मौखिक रूप से और ईमेल आईडी के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय को, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भिजवा दिया गया है। अब उनका विशेषाधिकार है कि वो इस्तीफा स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। इस दौरान किरोड़ी मीणा ने यह भी दावा किया कि उनकी ना तो नाराजगी पार्टी से है, ना नाराजगी उनकी सरकार से है और ना ही नाराजगी मुख्यमंत्री से है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी भी जो किरोड़ी मीणा है वो नैतिक जिम्मेदारी की यहाँ पर जो है बात करते हुए नजर आया कि उन्होंने जो इस्तीफा जो दिया है, सवाल माधोपुर सीट जो है लोकसभा है, हारने के बाद इस्तीफा दे देंगे आप, चूंकि दौसा से जीत दर्ज नहीं करा पाए तो वो अक्सर अपने मुंह पर उंगली रख लेते थे और चुप्पी साध लेते थे। लेकिन आज उन्होंने चुप्पी तोड़ी और खुद न्यूज 18 से आपसे बातचीत करते हुए दावा किया है कि उन्होंने कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, मेल के जरिए इस्तीफा दिए है। लेकिन अब सवाल यह है कि किस तरीके की सरकार के अंदर चर्चा चल रही है, क्या उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा, चूंकि किरोड़ी लाल मीणा का एक राजनीति में बड़ा कद भी है। रोशन, रोशन का हम संपर्क करेंगे, लेकिन वही कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा मौजूद हैं और उन्होंने खुद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए दावा किया है कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सरकारी सुविधाओं से मैंने दूरी बना ली है, मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, चूंकि मैंने जनता से कमिट किया था कि अगर मैं दौसा सीट से जीत नहीं दर्ज करा पाता हूं अपने उम्मीदवार को तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सुनिए एक बार फिर। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से, न संगठन से। मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है कि जो देश के प्रधानमंत्री हमारे संगठन चाहते थे, विशेषकर पूर्व राजस्थान की सीटों को जिताने का, उसमें से हम 3 महत्वपूर्ण चुनाव को हार गए, जिनकी मुझे जिम्मेदारी दी थी। तो आपको ध्यान है, मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर हम सीट हार गए तो मैं हैं, बयान देते हैं, कैसे विरोध करते हैं। और ये शुरुआत हो चुकी है राजस्थान में पर्ची से बनी सरकार की, पर्ची पुनः बदलने की। एक और सवाल है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया, क्लियर बात, तो वो दिल्ली जो थे, आपके पास तो लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, 2 दिन से दिल्ली थे, क्या कारण रहा होगा? उनसे दिल्ली का नेतृत्व मिल नहीं रहा है, मिलने के लिए समय नहीं दे रहा है, तो ये बेइज्जती है। एक इतने बड़े सीनियर नेता की एक तरीके से बेइज्जती है। उनसे उनकी तकलीफें नहीं पूछी गई, उनसे टिकट के वितरण में कोई सलाह नहीं ली गई, वो अपने समाज के लोगों के, प्रदेश के लोगों की काम नहीं करवा रहे थे, करवा पा रहे थे, ऐसी बातें भी उनके सब के सामने वो आ रही थी। वो कह रहे थे कि मोदी जी ने मुझे 7 सीटों की जिम्मेदारी दी है, तो उनका जो तात्पर्य हम समझे या प्रदेश की जनता समझे कि ये 7 की 7 सीटों में मेरा कोई राय नहीं है, मुझसे कुछ नहीं पूछा गया, दादागिरी के साथ में पार्टी आला कमान पे हम पे ये जो है टिकटें थोपी गई हैं।
और उसके बावजूद भी जो हालात प्रदेश में बने हुए हैं, आप बताइए टोंग के अंदर एक हेड कांस्टेबल बजरी माफिया ने उसकी हत्या कर दी, ये सरकार चुप है। आप चूरू की घटना को ले लो, जयपुर की घटना को ले लो, जोधपुर की घटना को ले लो, आज आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। और इस 6 महीने में तो इन्होंने एक रिकॉर्ड स्थापित कर लिया अपराध बढ़ाने का, और कोई जवाबदार है ही नहीं। मैंने कल परसों भी कहा था कि इस सरकार की स्थिति जो झाउलिया होता है उसकी तरीके से है। झाउलिया जो होता है उसमें जो ऊपर नकुले कीट वो होते हैं, सूल होती है, तो वो जब चलता है तो उसका पता नहीं चलता कि उसका मुंह किधर है, पिछवाड़ा किधर है, इसके पैर किधर है, इसके कोई है कि नहीं, और हाथ लगा के उसको चेक नहीं कर सकते क्योंकि वो सूल गट जाएगी। तो ये स्थिति है कि सरकार को चला कौन रहा है और ये सरकार चल कैसे रही है, ये काम क्या कर रही है 7 महीने से, ये प्रदेश की जनता में एक कुतूहल और एक बना हुआ है, सवाल बना हुआ है कि ये कर कौन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि दिया कुमारी जी का भी दूसरे लोग पढ़ेंगे, और जो मुझे पता लगा है कि प्रयास किए जा रहे हैं कि वित्त मंत्री दिया कुमारी जी बजट नहीं पढ़े, तो ये भी एक साजिश है। मैं समझता हूँ कि इसका समय आने पे खुलासा होगा, और बीजेपी के लोग कर रहे हैं, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। कौन बजट वित्त मंत्री पढ़े, मुख्यमंत्री पढ़े, जो कानून में है, जो इनको ठीक लगे, लेकिन इनके हालात ठीक नहीं है। कल हमने देखा था कि मुख्यमंत्री जी सदन में थे, कितने लोग किस नेता से मिल रहे थे, कौन लोग अकेले खड़े थे, ये सब हमने कल अपनी आंखों से देखा और पूरे प्रदेश ने देखा है। नहीं नहीं, टाइम पे आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्मचारियों को धमका रहे हैं कि जो हम कहें वो गलत काम करो, अगर आपने गलत काम नहीं किया तो आपको हम लोग नौकरी से बर्खास्त कर देंगे कि भाई आप निकम्मे हो, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आप सही काम नहीं कर पा रहे हो। ये तो एक तलवार लटका दी कर्मचारियों के ऊपर कि या तो वो अपने हायर ऑफिसर की बात जो गलत है वो भी माने, और अगर वो नहीं मानेगा तो उसको अयोग्य बता करके, कामचोर बता करके, और उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। आप बताइए, जब कानून में प्रावधान था तो ये अलग से परिपत्र निकाल करके उनको एक तरीके से धमकाने की कार्रवाई, जिनकी मैंने मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, न माननीय मुख्यमंत्री जी से, न संगठन से, मेरी खुद अपने आप से नाराजगी है कि जो देश के प्रधानमंत्री हमारे संगठन चाहते थे, विशेषकर पूर्व राजस्थान की सीटों को जिताने का, उसमें से हम 3 महत्वपूर्ण चुनाव को हार गए, जिनकी मुझे जिम्मेदारी दी थी। तो आपको ध्यान है, मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर हम सीट हार गए तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, इसलिए कि मैं पार्टी की सीटें नहीं जीता सका, उसका प्रायश्चित है, मुझे पश्चाताप है, और उस दृष्टि से मैं नाराज़गी का कोई कारण नहीं है, और मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। काल जब ज़्यादा ठंडक होती है तो किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बताते चले कि किरोड़ीलाल मीणा को 7 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दौसा वो सीट जहां माना जाता था कि किरोड़ीलाल मीणा जो है वो दम भर करके वहां पर पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और दौसा वही सीट जहां पर ये माना जाता है कि आज़ादी के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री था जो रोड शो करने के लिए पहुंचा था। जब पीएम दौसा पहुंचे और वहां पर रोड शो किया तो उसके बाद माना ये गया कि अब जो है दौसा जो पायलट परिवार का गढ़ माना जाता है वो बीजेपी के खाते में आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन तस्वीरें जब ऐसी सामने निकल कर नहीं आई और जब चुनाव के नतीजे आए तो उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जिसके बाद सियासी गलियारों में कयास लगाए जाने लगे कि किरोड़ीलाल मीणा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं, और इसके बाद तब से बताया जा रहा है कि पार्टी में मान मनोवल का दौर जो है वो चल रहा था। हालांकि समझाइश जो दी जा रही थी किरोड़ीलाल मीणा को पार्टी की तरफ से, सीएम की तरफ से,
वो शायद कारगर साबित नहीं हो पाई और यही वजह है कि किरोड़ी लाल मीणा ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया है, ये कहते हुए कि 7 सीटों की जिम्मेदारी मुझे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दी गई थी और क्योंकि मैंने कहा था कि अगर 7 सीटों में से एक भी सीट में जिताने में नाकाम साबित होता हूं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा और यही वजह है कि मैं आत्म अवलोकन करना चाहता हूं, आत्म मंथन करना चाहता हूं और इसी वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। किरोड़ी लाल मीणा ने साफ शब्दों में कहा है कि ना ही मेरी संगठन से कोई नाराजगी है, ना ही मेरी सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा से कोई नाराजगी है, मेरी किसी से भी कोई नाराजगी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि मैंने चुनाव के वक्त ये बातें कही थी। और मुझे ऐसा लगता है, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनता आप पर भरोसा नहीं जता पा रही है, जिस तरीके से मैं पार्टी को सारी सीटें जिताने में नाकाम रहा हूं, तो मैंने ये सोचा कि जब जनता का मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मुझे पद पर रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ये बातें न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत करते हुए एक्सक्लूसिव उन्होंने कही है। खास बातचीत में जब कहा उन्होंने तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैं पार्टी को आगे लेकर जा रहा हूं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर हमारे पास टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, मान मनोवल का दौर चल रहा था, जब चुनाव के नतीजे आए थे तभी माना जा रहा था कि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन जो समझाइश का दौर चल रहा था शायद वो कारगर साबित नहीं हो पाया। मनोवल का दौर नहीं था, उन्होंने जो राजस्थान के लोकसभा की 7 सीटें उन्होंने जीतने का वादा करवाया था कि अगर ये सीटें नहीं जीती तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि ये बात अलग परिप्रेक्ष्य में कही गई थी कि जिस तरह से राज्य मंत्रिमंडल की बात करें या मंत्रिमंडल में कैडर की बात करें, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने इस तरह की बात सांसदों के चुनाव के दौरान यानी लोकसभा के चुनाव के दौरान कही थी। लेकिन चूंकि जिन 7 सीटों की वो बात कर रहे थे, वो 7 की सीटें जो थी वो लोकसभा में बीजेपी हार गई, लिहाजा कल देखे तो कल वो विधानसभा भी नहीं आए। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके लिखा कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो यानी एक तरफ तो सरकार की तरफ से उनकी नाराजगी, दूसरी तरफ जो उन्होंने बात कही थी वो, इन दोनों का जो सामंजस्य स्थापित हुआ उसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा का जब कल दूसरा सत्र यहाँ पे बैठा 16वीं विधानसभा का, तो वो नहीं आए और आज उनको आना था। आज कृषि विभाग से संबंधित सवाल जवाब भी लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि कृषि विभाग से संबंधित सवाल जवाब लगे हैं, तुरंत राज्य सरकार को यह फैसला भी करना होगा कि सवालों के जवाब कृषि विभाग के कौन देता है, क्योंकि आज 11 बजे जब प्रश्नकाल शुरू होता तो कृषि विभाग के भी सवाल जवाब लगे हुए हैं। डोटासा जी एक डोटा, सबसे बड़ा जो सवाल निकल के यहाँ पे जो आ रहा है वो एक अलग टाइप का सा सवाल आ रहा है कि कृषि मंत्री का आज इस्तीफा हुआ किरोड़ी लाल मीणा का, प्राण जाए पर वचन जाए, तमाम बातें कही, लेकिन एक तीर से कहीं कहीं वो दो शिकार करने पे थे कि सांसदों का नहीं आया तो इस्तीफा दे दूंगा और यहाँ से मुक्ति पा लूंगा, आ गया तो मेरा कैडर बढ़ जाएगा। क्या समझते हैं आप इस बात? नहीं नहीं नहीं, उनको पता था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का वितरण हुआ, जिस तरीके से 6 महीने में इनकी जो सरकार चली और पूरी तरीके से हर बिंदु पे फैल रही, तो उनको पता था कि हमारी दुर्गति तो होनी है और देश के प्रधानमंत्री जी ने मुक्का मार के उनको कह दिया, जिम्मेदारी दे दी, तो वो तंज कस रहे थे कि मुझे जिम्मेदारी दी है, ये सीटें नहीं आएंगी तो मैं जिम्मेदारी लूंगा और मैं इस्तीफा दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बार जीते हुए लोग बड़े बड़े पदों पे बैठ गए और मेरे जैसा वरिष्ठ आदमी जिसने सरकार को बीजेपी की सरकार बनाने में भारतीय जो पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को झूठे आरोप लगा लगा करके और घेरने का काम किया और आज मेरी ये दुर्गति हो रही। आज प्रश्नकाल में कृषि विभाग से संबंधित सवाल जवाब है, क्या स्थिति रहेगी, कितना विपक्ष के तौर पर आप कितने आक्रामक रहने वाले हैं? नहीं, वो तो देखो विपक्ष तो अपना रोल करेगा टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में। दूसरा, राज्यपाल के अभिभाषण का मुद्दा उठाया गया था, क्या आज उस पर गतिरोध जारी रहेगा या आपने माफ कर दिया? नहीं, देखिए वो नेता तय करते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ जो नेता आप भी पार्टी के नेता है, आप भी पीसीसी चीफ है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं संगठन का, मेरा सुझाव हो सकता है कोई बात पे,
लेकिन तय सदन में कैसे चलना है, क्या करना है, क्या एजेंडा रखना है, अभी बैठने वाले हैं आप? अभी बैठने वाले? अभी जा रहे हैं, अभी सारे विधायक बैठेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बैठेंगे, स्ट्रेटेजी तय करेंगे। देखिए निश्चित रूप से इस मामले के को लेकर भी आक्रामक रूप जो है वो आज विपक्ष का देखने को मिलेगा, और जो तंज और तीखी नोकझोंक का जो और तंज और तीखी नोकझोंक से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है सुधीर, जिस तरीके से आपने अभी डोटासरा से बात की और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है उन्हें दरकिनार कर रहा था, किरोड़ीलाल मीणा को तवज्जो नहीं दे रहा था। छत्तीसगढ़ का अगर आपको किस्सा याद हो सुधीर, तो जब नंद कुमार साय ने पार्टी से इस्तीफा दिया था तब भी विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से खास करके कहा गया था इस वजह से कांग्रेस में आए हैं ये नंद कुमार साय, क्योंकि इन्हें पार्टी से दरकिनार किया जा रहा था, इनकी अनदेखी की जा रही थी। और जो तंज डोटासरा ने यहां पर कसा है कि एक एज के बाद बीजेपी अपने शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है उन्हें दरकिनार करने लगती है, यही कुछ डोटासरा भी कहते हुए अभी नजर आए हैं। हालांकि दोनों बातें अलग है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था, किरोड़ीलाल मीणा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन तंज जो है तो अब तो कांग्रेस को मिल गया है ना मौका कसने का। सुधीर आवाज पहुंच रही है आप तक? अपना सवाल रिपीट कर रहे हैं थोड़ा डिस्टर्बेंस। जी जी दोबारा, कांग्रेस को एक मौका मिल चुका है सुधीर बीजेपी को घेरने का, चाहे प्रदेश कोई भी रहो वो मौका नहीं छोड़ती। इस बजट सत्र के दौरान देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि बजट सत्र के दौरान इस्तीफा, ये एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि बजट सत्र के दौरान ही, क्योंकि 8 महीने का जो बजट है वो सदन में पेश होने वाला है 10 तारीख का, और उससे पहले ये स्थिति हुई है। हालांकि वो कृषि विभाग की जब किसानों के साथ बजट से पूर्व जो राय मुशारी की मशवरा किया जा रहा था उसमें ऑनलाइन जुड़े भी थे किरोड़ीलाल मीणा, उसमें अपनी बात भी रखी थी। अब ये बात का खुलासा उनसे पूछा जाएगा किरोड़ीलाल मीणा से कि आपने ये स्ट्रेटजी कैसे अपनाई, क्यों विधानसभा के दौरान एक तरह से कहते हैं सरकार को नीचे यहाँ पर दिखाए जाने का काम किया है कि आज जब उनका सवाल लगा हुआ था, आज उनके विभाग से सवाल जवाब होते वो अच्छे से जवाब देते, संभवतः अब वो आए भी और नहीं भी आए, दोनों स्थिति यहाँ सदन में देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर ये है कि मेरी नज़र में उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की, जिसमें शीर्ष नेतृत्व के सामने कह दिया कि आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी, उस जिम्मेदारी को मैं पूरा नहीं कर पाया, लिहाजा मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं, जिसके बारे में वो पहले ही बता चुके थे। ठीक है सुधीर, आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा ने आखिर अपने पद से जो इस्तीफा दिया उसको लेकर के क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए, उसके बाद सुधीर आपके पास आएंगे। न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर मंत्री किरोड़ी मीणा ने खुलासा किया है कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उन्होंने इस्तीफा सौंपा है, ऐसा खुद किरोड़ीलाल मीणा ने खुद दावा किया है यहां पर कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए दो दिन से लगातार जो किरोड़ी मीणा है वो जो दिल्ली दौरे के ऊपर मौजूद थे, वहां पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी पूरे राजस्थान के सियासी घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर न्यूज 18 के ऊपर किरोड़ी मीणा लाइव जुड़ चुके हैं। सर क्या कारण रहा कि आपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? अरे कारण तो मैंने चुनाव के दौरान ही कह दिया था, प्रधानमंत्री जी आए थे तब, उससे पहले उससे बाद में, कि जो मेरे प्रभाव वाली संसदीय सीट है अगर मैं उनको नहीं जिता सका तो मंत्री पद से इस्तीफा देता। आपने पहले एक ऐसे, मेरी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अब मैं मंत्री पद पर नहीं रहूं, नहीं बना रहूं, इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी कह दिया, इस्तीफा मेल से भी भिजवा दिया और मेरी चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी सदा सहायता के साथ बड़े आदरपूर्वक मेरे को ये कहा कि आप इस्तीफा मत दो, लेकिन चूंकि मेरी घोषणा थी जनता के बीच में तो मेरा इस्तीफा देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया गया है, क्या कारण रहे कि जिस वजह से आपने नैतिक जो जिम्मेदारी है पहली बार आपने उठाई कि इसकी जो नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, और आपने मन से भी कहा था कि मुझे, मैं सवाई माधोपुर सीट हार गया, करौली हार गया, दौसा हार गया, जहाँ मैंने मैक्सिमम आंदोलन किया और जनता के लिए, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे तपन हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे सड़क हो, सब में मैं उनके लिए आंदोलन करता रहा हूँ। ऐसी जनता विमुख हो गई मेरे से तो मेरा अब अधिकार नहीं है कि मैं मंत्री पद पर बना रहूँ।
आप विधानसभा भी नहीं जा रहे हैं, कल भी नहीं गया बजट सत्र के दौरान, आज भी आप नहीं जा रहे हैं, ऐसे क्या नाराजगी विधानसभा? नाराजगी मुख्यमंत्री जी से, संगठन से, पार्टी से कतई नहीं है। मेरी कमी है, मैं आत्मलोकन कर रहा हूँ मेरी कमी के कारण, क्योंकि मैंने इतना सतत संघर्ष करने के बाद भी मैं पार्टी को नहीं जिता सका, इसकी चिंता मुझे है, इसका प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ। और कोई कारण नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री जी से नाराज हूँ कि मेरे को कोई विभाग अच्छा नहीं दिया, संगठन से कोई नाराज हूँ। मेरे को अब भी संगठन और मुख्यमंत्री जी जो काम बताएंगे मैं दुगनी ताकत से वो काम करके उनको दिखाऊंगा, परिणाम दूंगा। मैं कुछ पद मांगने के लिए नहीं मैंने इस्तीफा दिया है, मैं मेरे इलाके की सीट नहीं जिता सका, मेरा तप भंग हो गया। जिन लोगों के लिए मैंने आरक्षण के समय मेरा मंत्री पद छोड़ दिया था, उन लोगों ने मेरे को छोड़ दिया, तो मैं इससे बड़ी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती, उससे बड़ा कोई विश्वासघात नहीं हो सकता कि लोगों ने मेरे को साथ नहीं दिया और मैं एक जाति विशेष का विरोधी भी बन गया और उन लोगों को जिता दिया जो आरक्षण के समय उस समाज के साथ नहीं थे। इसका मेरे को बेहद दुख हुआ है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। मीणा साहब, आप कह रहे हैं कि मेरी मुख्यमंत्री से नाराजगी नहीं है, पार्टी से नाराजगी नहीं है, आपने विधानसभा से दूरी बना ली और आप आज इस कहा जा सकता है कि सनातन धर्म के इसमें आप पंडाल में आप आकर बैठ गए हैं जहाँ पे प्रकटोत्सव जो मनाया जा रहा है उसके अंदर प्रकटोत्सव है 82+2 जगत गुरु शंकराचार्य, पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य का, तो मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैं पुरी जाता हूँ। विधानसभा छोड़ के यहाँ गोवर्धन मठ पे मेरे विधानसभा भी जनता के लिए एक जनहित के लिए बहुत बड़ा मंच है, लेकिन मेरा पहले से ये तय कार्यक्रम था, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को लिख के भेज दिया कि मैं किन्हीं अपरिहार्य कारणों से विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। लेकिन आपका जो इस्तीफा है वो स्वीकार नहीं किया गया है, लगातार मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि आप मंत्री बने रहें, लगातार केंद्रीय नेतृत्व भी आपसे समझाइश कर रहा है, कल भी आप केंद्रीय नेताओं से मिले। आप समझाइश वाली बात नहीं है, मैंने जो घोषणा की है जनता में क्रेडिबिलिटी बनी रहे इसलिए मैंने उसकी पालना की है, वो मेरा कुछ गुमराह करके जनता को बहका के वोट पाने का नहीं था, वो सच्चाई थी, मेरी अंतर्मन की आवाज थी, आत्मा की आवाज थी, उसकी मैंने पालना की है। और मैं वास्तव में सही कह रहा हूँ कि ना तो मुख्यमंत्री जी से, ना मेरे किसी साथी से, ना पार्टी से किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। मेरे जो प्रभाव कम हो गया, मेरा खुद का मेरे इलाके में सीट नहीं जीता सका, उसका मेरे को बड़ी चिंता है और मैंने मेरा इस्तीफा दे दिया। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि किरोड़ी मीणा को एक अच्छा महकमा नहीं मिला, मंत्री पद नहीं मिला, इस वजह से किरोड़ी मीणा ने ये स्टैंड लिया। अगर ये बात होती तो जब शपथ हुई थी उसका दूसरे दिन मैं इस्तीफा देता। मैं 4 महीने से कृषि मंत्री के पद का निर्वहन कर रहा हूँ, ग्रामीण विकास के काम करा रहा हूँ और अकेले एक दिन में कुसुम योजना जो किसानों को दी जाती है जिसमें 3 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर, 10 हॉर्स पावर तक के 50,000 कनेक्शन किए हैं जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई, वो हमने एक दिन में करके दिखा दिया। और नरेगा में भी अद्वितीय कार्य किए, राजविका में भी हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो काम किए हैं, आयोजन जो किए हैं, देश में राजस्थान नंबर 1 पर है। और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की है जो मैं पत्रकारों को पत्रकार वार्ता करके बाद में बताऊंगा। किरोड़ी मीणा जी की उम्र भले ही 70 साल के करीब हो गई है, लेकिन मैंने पिछले दिनों देखा आपने दावा किया कि किरोड़ी मीणा आज भी युवा है, जवान है, क्या इसी तरीके से सड़कों के ऊपर संघर्ष करते हुए